प्रधानमंत्री मोदी के बयान से पाकिस्तान परेशान है तो यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया हथियारों का निशाना सीधा पाकिस्तान है और झांसी में तैयार हो रही तोप हो या फिर लखनऊ में बन रही नई ब्रह्मोस, भारत में नेता अपने काम गिनवा रहे हैं तो इधर पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन बढ़ रही है। डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली तोप जब भारत की सीमा पर गरजती है तो पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है। मुझे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर वो कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। झांसी में बनी तोप गरजेगी और मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस उड़ेगी तो पाकिस्तान के होश भी उड़ जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये बयान अब पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पाकिस्तान वैसे भी टेंशन में रहता है, लेकिन भारत का आक्रामक रुख पाकिस्तान को अब और बेचैन कर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली तोप जब भारत की सीमा पर गरजती है तो पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में बने डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाले हथियारों के बारे में बता रहे थे और मेड इन इंडिया हथियारों का खौफ पाकिस्तान के दिल में बढ़ता जा रहा था। वैसे ब्रह्मोस की उड़ान तो पाकिस्तान की पुरानी दुखती रख। कुछ दिनों पहले भारत से गलती से लॉन्च हुई एक ब्रह्मोस पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई थी और पाकिस्तान को इसकी हवा तक नहीं लगी थी। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस के नए अपडेट वर्जन के बारे में बताया है जो लखनऊ में तैयार हो रही है। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। जब ब्रह्मोस पाकिस्तान तक पहुंची थी तब भारत ने इसे गलती कहा था, लेकिन पाकिस्तानी मान रहे थे भारत ने किसी भविष्य ये एक मिसाइल जो कि आपकी इतना दूर इसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रेवल करता रहे, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया, इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। फिलहाल भारत के हथियारों के खौफ में आए पाकिस्तान ने अपने लोगों का डर कम करने के लिए फतेह 2 रॉकेट सिस्टम के सफल परीक्षण का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है ये 400 किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीन की मदद से तैयार ये रॉकेट सिस्टम भारत के हथियारों के सामने नहीं टिक सकता और ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के सामने तो इसकी कोई हैसियत नहीं। रिपोर्ट।